श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल एक माता जी प्रोग्राम के आखिर में बात कर रही थी कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या भगवान हमें श्राप दे देंगे या हमें कुछ पाप लग जाएगा। Recording in progress. तो उस विषय में मैंने सोचा कि 15-20 मिनट उसके ऊपर बात करता हूँ, और फिर क्योंकि हमने ये सेशन क्वेश्चन आंसर के लिए रखा था तो फिर भक्तों के प्रश्न होंगे तो वो प्रश्नों के उत्तर हम देने का भरसक प्रयास करेंगे। सो जहाँ तक बच्चों की गलती, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं अहम बीजा प्रदा पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूँ। जितनी इस संसार में जितनी योनियाँ हैं, सर्व योनिषु कौन्तेया, जितनी योनियाँ हैं वो सबका पिता मैं हूँ। मैंने बीज आरोपित किया है जो 84 लाख योनियाँ हैं। तो सवाल यह है कि बच्चे गलती करते हैं तो क्या माँ बाप उनको श्राप देते हैं, क्या उनको सजा देते हैं? माँ बाप जो है, बच्चे कितनी बड़ी गलती कर लें, माँ बाप उनको कभी पनिशमेंट सजा नहीं देते, उनको बल्कि बार 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 सुधरने का मौका देते हैं। और कई बार तो माँ बाप चुपचाप सहते रहते हैं। इस भौतिक जगत में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी जो सत्य घटना है, आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो एक बच्चा था बड़ा खूबसूरत, और उसकी माँ जो है वो काणी थी, एक आँख उसकी नहीं थी माँ की। तो वो जब उसको स्कूल छोड़ने जाती थी तो सारे बच्चे उस लड़के को छेड़ते थे, ओ तेरी माँ तो बहुत बदसूरत है, कानी है, ये है वो है। तो उस बच्चे ने अपनी माँ को बोला, उसके पिता नहीं थे, पिता का देहांत हो चुका था। तो उस बच्चे ने अपनी माँ को बोला, आप मुझे स्कूल छोड़ने मत आया करो, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, आप मुझे बस उस स्कूल से थोड़ी दूर तक आप मेरे को छोड़ने आ जाओ, आगे मैं अपने आप चला जाऊँगा। माँ ने कुछ बोला नहीं, ठीक है। तो बच्चा अपना पढ़ता रहा और फिर बड़ा हो गया, अच्छी नौकरी लग गई, समाज में प्रतिष्ठित हो गया। लेकिन लोग, जो समाज के लोग थे, वो आपस में कानाफूसी करते थे कि वो कितना खूबसूरत है, लेकिन उसकी माँ देखो कानी है, और घरों में काम करती रही इतने साल वो। तो उस बच्चे को अपने सामाजिक प्रतिष्ठा पर कलंक लगता दिखाई दिया, तो उसने अपनी माता से अलग हो गया वो। माँ ने कुछ नहीं बोला उसको, माँ चुपचाप सहन करती रही। हर वर्ष उसको एक चिट्ठी आया करती थी जिसमें उसकी माँ उससे उसका हाल चाल पूछती थी, और ये ज़रूर बोलती थी कि मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है भगवान की दया से, और तुम बस राजी खुशी रहना। कई साल बीत गए इसी तरह से। तो एक बार उस लड़के के मन में आया कि चलो मैं जाके एक बार अपनी माँ से मिल के आऊँ, इतने साल हो गए, देखूँ क्या क्या कर रही हैं। तो वो गया जहाँ पे उसकी माँ रहती थी, तो पता चला आसपास पूछने से कि उसकी माँ को मरे हुए तो कई साल हो गए। तो उसने कहा, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो हर साल चिट्ठी आती है। तो लोगों ने बोला कि वो फलाने बंदे को आप जाके पूछो, उससे आपको जानकारी मिलेगी। तो वो पड़ोसी के पास गया और उनसे पूछा कि भाई आखिर मेरी माँ की चिट्ठी मुझे हर साल कैसे मिल रही है।
तो उसने पड़ोसी ने बताया, उसने कहा कि तुम्हारी माँ को मरे हुए तो कई साल हो गए, लेकिन वो मरने से पहले कई चिट्ठियाँ लिख गई थी, हर साल के लिए एक चिट्ठियाँ लिख गई थी कि ये चिट्ठी आप हर साल पोस्ट करते रहना, मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो ये जानकर के मेरी माँ मर चुकी है। वो बातों बातों में उस पड़ोसी ने उसको बताया कि तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक बार तुम्हारे माता पिता दोनों जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, तो तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई और तुम्हारी एक आँख फूट गई उसमें, और तुम बहुत रोते रहते थे, तो तुम्हारी माँ ने अपनी आँख निकाल के तुम्हारे को लगवा दी। अब वो बच्चा बहुत पछताया कि उसने अपनी माँ के साथ कैसा सलूक किया। तो ये भौतिक जगत में भी आप देखते हो कि जो माँ बाप हैं अपने बच्चों के लिए बहुत बलिदान करते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, और भगवान तो भगवद्गीता 5:29 में कह रहे हैं सुहृतम सर्वभूतानाम, कि मैं सभी जीवों का सबसे प्रिय मित्र हूँ, भगवान से प्रिय मित्र किसी भी जीव का कोई हो ही नहीं सकता, कोई हो नहीं सकता। भगवान हर जीव को, कोई भगवान से प्रेम कर रहा है नहीं कर रहा, उसको खाने पिलाने का, उसकी रक्षा का भार भगवान लगातार वहन किए जा रहे हैं, लगातार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह भगवान किए जा रहे हैं बिना किसी संकोच के। 84 लाख योनियों में जहाँ पे इंद्र और ब्रह्मा की पद भी आता है, वहाँ पे नाली के कीड़े का जन्म भी मिलता है। यस्त्व इंद्र गोपम अथवेंद्रम अहो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान की स्तुति करते समय ब्रह्म संहिता में कि इंद्र गोपम, जो कि बहुत छोटा सा कीड़ा है, और इंद्र ये एक ही समान है। अरे एक समान कैसे हैं, दोनों कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं, दोनों अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। लेकिन इनमें एक बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि जहाँ पर भगवान इंद्र के साथ, उसके साथ भी उसके हृदय में बने रहते हैं, ऐसे ही जो मल का कीड़ा है, जब जीव मल के कीड़े के रूप में जन्म लेता है अपने कर्मों के अनुसार, वहाँ पर भी भगवान उसके साथ सदैव बने रहते हैं। भगवान की कातरता का, भगवान की भक्त वत्सलता का परिचय हमें मिलता है भागवतम में, जब हम जय विजय का प्रसंग देखते हैं। जय विजय से अनजाने में अपराध हो गया था 4 कुमारों के प्रति, तो 4 कुमार उनको श्राप देने वाले थे, इतने में भगवान स्वयं वहाँ पर प्रकट हो गए और भगवान ने बोला कि मैं अपने सेवकों के लिए अपने हाथ तक कटवा सकता हूँ, अपनी बाजू कटवा सकता हूँ मैं अपने सेवकों के लिए, अपने भक्तों के लिए। इतनी भगवान ने वहाँ पे महत्वपूर्ण बात बोली। चैतन्य चरितामृत में हमें ये संदेश प्राप्त होता है कि किस प्रकार जब हरिदास ठाकुर एक मुसलमान परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन वो सदैव भगवान के दिव्य नामों का जप करते रहते थे, और जब मुसलमानों के राजा को पता चला इस बारे में, तो काजी ने पकड़ के बुला लिया उनको, और काजी ने बोला कि तुम बंद कर दो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि मैं बंद तो कर दूं, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है, मैं बहुत कोशिश करता हूं रोकने की, लेकिन मेरा मुंह रुक ही नहीं पाता, मेरे मुंह से अनायास ही अपने आप ही हरि नाम का जप निकलता रहता है। आप मेरे शरीर के टुकड़े भी कर दोगे
तो भी उसमें से मेरे मुख से हरि नाम ही निकलता रहेगा। तो उस समय उस काजी ने बोला कि इसको 22 बाजारों में ले जाके पीटो कोड़ों से, और अगर ये नहीं मरा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इन्होंने पीटा, सिपाहियों ने बहुत बेरहमी से हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में ले जाकर। लेकिन हरिदास ठाकुर, उनकी मृत्यु नहीं हुई। तब सिपाहियों ने उनसे प्रार्थना की कि अगर आप नहीं मरे तो हम मारे जाएंगे। तो हरिदास ठाकुर सांस रोक के समाधि में चले गए। उन्होंने उठा के उनका शरीर को पानी में फेंक दिया नदी में। हरिदास ठाकुर पार करके नदी दूसरी ओर जाके हरिनाम करना शुरू कर दिया उन्होंने। कुछ समय पश्चात चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में सप्त प्रहरीय लीला कर रहे थे। 21 घंटे लगातार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना दिव्य ऐश्वर्य प्रकाशित किया, और उस समय हर एक भक्त को सामने बुलाकर चैतन्य महाप्रभु ने उनके मन की सारी इच्छाएं पूरी की। उसी दौरान चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को भी बुलाया अपने सामने, और उन्होंने बोला, हरिदास ठाकुर, जब तुम्हें 22 बाजारों में पीटा जा रहा था तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें कुछ पीड़ा हो रही थी? हरिदास ठाकुर ने बोला, नहीं, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि उन्होंने मुझे इतने कोड़े मारे लेकिन मुझे बिल्कुल भी पीड़ा नहीं हुई। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम्हें पीड़ा हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि तुम्हारे शरीर को मैंने अपने शरीर से ढक दिया था। और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पीठ उनको दिखाई, और चैतन्य महाप्रभु की पीठ पर असंख्य कोड़ों के निशान पड़े हुए थे। हरिदास ठाकुर ये देखकर एकदम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। तो इन प्रसंगों से हमें पता चलता है कि भगवान हर प्रकार से प्रयास करते हैं जीवों के कल्याण के लिए। भगवान के हृदय में कभी भी किसी को श्राप देने का कोई विचार नहीं आता। भगवान सदैव हर जीव के हित में जो भी बात उसके कल्याण के लिए आवश्यक है, भगवान उसी बात का, उस वस्तु का प्रबंध करने में, योजना बनाने में लगे रहते हैं। तो किसी भी भक्त को कभी भी इस बारे में बिल्कुल भी आशंका नहीं होना चाहिए कि अगर भक्ति करते समय हमसे कुछ गलती हो जाएगी तो हमें उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। चैतन्य चरितामृत में हमें एक प्रसंग मिलता है सुबुद्धि राय का। सुबुद्धि राय एक बहुत बड़े जमींदार थे, और उनके पास एक मुसलमान गुलाम था जिसका नाम था हुसैन। और समय के प्रभाव से ये जो हुसैन नाम का लड़का था, ये बंगाल का राजा बन गया और नवाब हुसैन शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन में इस हुसैन लड़के ने एक गलती कर दी थी, और वो गलती की सजा के रूप में सुबुद्धि राय ने उस बालक को बेंत से पीटा था। तो उससे उसकी पीठ पर चाबुक के निशान छप गए थे। तो एक बार राजा बनने के बाद नवाब हुसैन शाह की पत्नी ने उसकी पीठ पर वो निशान देखे और उसके बारे में जिज्ञासा की। तो नवाब हुसैन शाह ने बताया कि कैसे बचपन में सुबुद्धि राय ने उनकी पीठ पर कोड़े बरसाए थे, और किस प्रकार वो उन कोड़ों के निशान जो हैं उनकी पीठ पर छप गए थे। हालांकि नवाब हुसैन शाह ने बोला कि सुबुद्धि राय तो मुझे अपने पुत्र की तरह प्रेम करते थे, और पिता कभी उसका अधिकार होता है बच्चे को पीटना, तो उसमें मुझे तो कोई उन पे कोई क्रोध नहीं है। लेकिन जो उसकी रानी थी वो अड़ गई। उसने कहा कि नहीं नहीं, ये सुबुद्धि राय को जब तक ये मरेगा नहीं तब तक मेरे को चैन नहीं आएगा। नवाब हुसैन शाह ने बोला कि मैं तो मार नहीं सकता उसको, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसको मार दूं, मेरे पिता के समान था वो। तो उसकी रानी ने बोला, ठीक है, फिर इसको मुसलमान बना दो। और उस समय रूढ़ीवादी जो
समाज के अंदर हिंदू, एक हिंदू को मुसलमान बनाना बहुत आसान था। अगर एक मुसलमान अपने लोटे से पानी छिड़क देगा हिंदू पे, तो वो सब कहते थे कि ओह, इस पे तो पानी छिड़क दिया मुसलमान ने, अब तो ये मुसलमान बन गया। तो नवाब हुसैन शाह ने अपनी पत्नी का कहना मान लिया और सुबुद्धि राय पे अपने लोटे से पानी छिड़क दिया। अब वो पानी छिड़क दिया, अब सारे ब्राह्मणों ने सुबुद्धि राय का त्याग कर दिया और सुबुद्धि राय बहुत परेशान हुए और उनको बंगाल छोड़ के बनारस जाना पड़ा। और बनारस में वो रह रहे थे, वहाँ पे उन्होंने कई ब्राह्मणों से संपर्क किया और उनसे पूछा कि जो मेरे से इतना बड़ा अपराध हुआ, सुबुद्धि राय का कोई अपराध नहीं इसमें। अब एक सामने एक आदमी ने राह चलते हुए पानी छिड़क दिया, उसमें किसी का क्या दोष हो सकता उस व्यक्ति का। लेकिन सुबुद्धि राय ने बोला, मेरे साथ ऐसा हो गया, आप प्लीज़ मुझे बताओ क्या करूँ। तो अलग अलग ब्राह्मणों ने अलग अलग राय दी। एक ब्राह्मण ने ये भी बोला सुबुद्धि राय को कि आप ऐसा करो, घी को, जो देसी घी है उसको एकदम खौलता हुआ घी गर्म कर लो और उसको पी कर मर जाओ। जब तुम खौलता हुआ शुद्ध देसी घी पी के मर जाओगे तो अगले जन्म में तुम्हें अवश्य एक ब्राह्मण कुल में जन्म मिलेगा। सुबुद्धि राय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और उस समय चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा के दौरान बनारस में पहुंचे थे और वहां पे सुबुद्धि राय मिले श्री चैतन्य महाप्रभु से। और सुबुद्धि राय ने अपनी व्यथा चैतन्य महाप्रभु के सामने रखी। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम किसी भी तरह की कोई भी गलती से, अगर कोई गलती हो गई हो, उसका पश्चाताप करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना प्राण ही जो त्यागने पड़ेंगे। तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, तुम वृंदावन जाओ और वहाँ पर जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। सुबुद्धि राय ने ऐसे ही किया और सुबुद्धि राय ने वृंदावन जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया। और बंगाल से जितने भी गौड़िया भक्त जाया करते थे वृंदावन में, सुबुद्धि राय उन सब की सेवा किया करते थे और उनको उस सेवा के फलस्वरूप उनको रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, इतने सारे महान गोस्वामियों का उनको संग प्राप्त हुआ, सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इन प्रसंगों से हम ये समझ सकते हैं कि पहली बात है कि भक्ति आप करेंगे उसमें से कोई आपसे गलती हो जाए तो बिल्कुल भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान के सामने अपनी गलती को स्वीकार किए। आप अगर अपने हृदय में अगर आपको आप शर्मिंदा हो रहे हैं, आपको पश्चाताप हो रहा है कि आपसे ऐसा हो गया, वही अपने आप में पर्याप्त है। कुछ अलग आपको अपने आप को कोड़े मारना, सुई चुबाना, खौलता हुआ घी पीना, ऐसा कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक हफ्ते तक भूखे रहो, अब तुमने यह गलती कर दी थी, ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप केवल ये प्रतिज्ञा ले लो कि दोबारा से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे और सावधानी से आप नियमों का पालन करो। चैतन्य चरितामृत में हमें एक और प्रसंग प्राप्त होता है जहाँ पर हम प्रसंग पढ़ते हैं जगाई और मधाई। जगाई और मधाई, इन दो ये जो दोनों भाई थे, इनका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था लेकिन कुसंग के कारण ये दुनिया भर के गलत काम कर रहे थे, शराब पी रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, मांसाहार कर रहे थे, मार पीट, डकैती, कोई भी ऐसा कार्य नहीं था जो इन्होंने छोड़ा हो। लेकिन जब श्री नित्यानंद प्रभु की इन पर दया हुई और नित्यानंद प्रभु के माध्यम से जब चैतन्य महाप्रभु की दया हुई, तो उस समय इन दोनों भाइयों ने बोला कि हमसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, हम कैसे उससे बाहर निकल आएंगे। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि
तुम्हारे सारे दोष हमने हर लिए हैं, अब बस तुम निश्चिंत होकर हरि नाम करो और भक्तों की सेवा करो, बस शर्त ये है कि तुम दोबारा से ऐसी गलती मत करो। ये बात जो है अगर हम अपने हृदय में बिठा लें तो हम निश्चिंत होकर भक्ति कर सकते हैं। चैतन्य भागवत में हमें इसी प्रकार का एक प्रसंग मिलता है, जब एक डाकुओं की टोली श्री नित्यानंद प्रभु पर उन्होंने चढ़ाई कर दी थी रात के समय उनके आभूषण लूटने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु की दया से जब उनको अकल आई, अंधे हो गए थे वो, जब लूटने गए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और जैसे ही उन्होंने नित्यानंद प्रभु की शरण ली तो उनकी वापस दृष्टि लौट आई। और उस समय जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि तुम्हारे सारे पाप खत्म हो चुके हैं, बस तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और ये प्रण ले लो कि दोबारा से तुम ऐसी गलती नहीं करोगे। तो जैसा आप देख सकते हो हमारे पास अनेकों अनेक उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में, जहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा आपके सारे जितने भी जाने अनजाने हमसे गलतियाँ पाप हुई उन सब की भरपाई हो जाती है, उन सब का पश्चाताप हो जाता है, उन सब का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रण लीजिए अच्छे से भक्ति करने का, और भक्तों के संरक्षण में रह के आप अच्छे से भक्ति करेंगे। गलतियाँ होंगी, होने दो, कोई परवाह मत करो। आप जितनी दृढ़तापूर्वक भक्ति में लगे रहोगे धीरे 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 वो गलतियाँ करने की, वो फिसलने की भक्ति मार्ग से वो प्रवृत्ति धीरे धीरे ख़त्म होती रहेगी। और अपने आप को भक्तों से घेर के जब आप रखोगे तो जब आप, अगर आपका मन विचलित भी हो रहा होगा तो जो भक्त हैं वो आपकी सहायता के लिए आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बिना बताए भक्त आपकी सहायता कर देंगे और आप निश्चिंत भाव से भक्ति करते रह सकते हो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आप भक्ति में जुड़िए। भक्ति में नहीं जुड़ना बहुत खतरनाक है, भक्ति में नहीं जुड़ के परफेक्ट जीवन बिताना बिल्कुल बेकार है, लेकिन भक्ति में जुड़ के गलतियाँ करते रहना और अपने आप को सुधारते रहना वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप भक्ति विहीन परफेक्ट जीवन बिताने के बारे में मत सोचिए, भक्तों के साथ रहकर छोटी छोटी गलतियाँ करते रहें, उसको सुधारते रहें और आगे बढ़ते रहें और सिद्धि प्राप्त करें अंततः। इस विचार के साथ में आपको भक्ति करना चाहिए। इसको मैं यहीं पे विराम देता हूँ।